सोयाबीन का, गेहूं का, सरसों का, सभी का जो मल्टीक्रॉप थ्रेसर है, बस मूंगफली और धान को छोड़ के सभी फसल ये जी बिल्कुल साफ सफाई से निकालने वाला एकमात्र थ्रेसर है। इसमें इतने सिस्टम लगा रखे कंपनी ने, अन्य थ्रेसर के मुकाबले में इसमें सबसे ज्यादा सिस्टम जी। राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किसान की दुनिया में। आज की वीडियो में हम आपको मल्टी क्रॉप थ्रेशर दिखाने वाले हैं, जो कि 10 मेस कंपनी की है। किसान भाइयों, पंजाब से थ्रेशर मशीन बनकर भाई साहब मंदसौर में आई है। कहाँ पर आई है? देव कृषि यंत्र मंदसौर में। विक्रम भैया राम राम नमस्कार जी। भैया राम राम, सब बढ़िया है। आप समय निकाल के मंदसौर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपने जो हमें याद किया। सभी किसान भाइयों को राम राम जी। एक छोटा सा परिचय हो जाए सर आपका जी। मेरा नाम विक्रम गुजर है, मंदसौर से ही हूँ मैं, और ये श्री देव कृषि इम्प्लीमेंट का प्रोप्राइटर हम ही हैं। अच्छा अच्छा, तो सर आज क्या दिखाओगे आप हमारे किसान? आज हम किसान भाई को सोयाबीन का, गेहूं का, सरसों का, सभी का जो मल्टीक्रॉप थ्रेसर है, बस मूंगफली और धान को छोड़ के सभी फसल ये जी बिल्कुल साफ सफाई से निकालने वाला एकमात्र थ्रेसर है जी। इसमें इतने सिस्टम लगा रखे कंपनी ने, अन्य थ्रेसर के मुकाबले में इसमें सबसे ज्यादा सिस्टम। तो वो सिस्टम क्या है सर, बताइए ना किसान भाइयों को आप जी। हमारे इस थ्रेशर में सबसे ज्यादा हर जगह, जैसे किसान भाई को बेल्ट चेंज करना होता है, हवा कम ज्यादा करना हो, हर जगह गियर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा इसमें 4 फैन थ्रेशर है जी। 4 फैन लगे हुए हैं, इसमें 3 व्हील आते हैं, और इसमें 1 व्हील का वजन 1.5 क्विंटल है। अच्छा। 150 kg का 1 व्हील लगा हुआ है, सबसे हेवी मजबूत वाला व्हील लगा हुआ है। दूसरी बात है, किसान भाई को जैसे कचरा जो वेस्टेज आता है, उसका इसमें चौरस पाइप आता है जो चेन वाला आता है। अन्य थ्रेशर में क्या होता है, जैसे ये पाइप आता है ना, तो ये गोल आता है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि जैसे गीला सोयाबीन का माल फंसता है तो रुकने की समस्या आती है, इसमें चेन वाला सिस्टम लगा हुआ है जी। इसमें चेन में कभी भी रुकने की कोई शिकायत नहीं आती है बिल्कुल। सर जैसे कि आपने भी बताया था कि इसमें बड़े बड़े 3 व्हील दिए हुए जी, तो 3 व्हील देने का क्या फायदा कंपनी का? कंपनी ने 3 व्हील इसलिए दे रखे हैं ताकि ट्रैक्टर पे लोड नहीं आए। एक बार ट्रैक्टर मशीन को चला देगा, उसके बाद ट्रैक्टर लोड फ्री हो जाएगा। अच्छा, इसमें 1.5 क्विंटल के साइडों में और आगे पंखे के अंदर 80 किलो। अच्छा। ऐसे 3 व्हील लगे हुए हैं इसमें, ताकि वो एक बार जैसे मशीन अगर किसान चालू कर देता है, उसके बाद लोड फ्री हो जाती है मशीन। दूसरी बात है, इसमें 3 यहाँ पे रोलर लगा रखे हैं जी। ये क्या होता है, इसमें गीला माल मशीन में क्या होता है कि जैसे ड्रम चोक होता है ना, तो उसके कारण से ये रोलर क्या है, माल को आगे खिसकाते हैं, तो ये जाली कभी चोक नहीं होती। इसमें एक ये फायदा है किसान भाइयों को जी सर। और फिर अगर इधर आ जाते हैं मशीन में, अगर किसान भाई चाहे तो 12/4/28 टायर में लेंगे तो भी मिल जाएगा, छोटे टायर 916 टायर में लेंगे तो भी मिल जाएगा। अच्छा सर, बड़े टायर देने का क्या रीजन है? बड़े टायर का ये कि किसान भाई की क्या है कि बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे गीला इतना रहता है कि मशीन जमीन में धंसता है। अच्छा सर। तो ये बड़े टायर क्या है कि मशीन में मतलब जहाँ पे भी गीले में जाएगी वहाँ पे अंदर धंसने का कोई समस्या नहीं इसमें। अच्छा अच्छा। ट्रैक्टर आराम से इसको गीले में निकाल देगा। अच्छा अच्छा, ये फायदा है, काफी अच्छी सुविधा है किसान। हाँ, किसान भाइयों के लिए सुविधा बढ़िया है इसमें। जीवन भैया, इसमें इस मशीन में किसान भाई कितना ही गीला निकालेंगे, जैसे ही मशीन दबता है, इसमें रिवर्स गियर दे रखा है कंपनी ने जी। ये गियर लगा हुआ है, इसमें जैसे अपन खींचते हैं तो चलती मशीन पीछे का हिस्सा रिवर्स हो जाता है। अच्छा। जैसे ही ट्रैक्टर लोड मांगता है वैसे ये माल वापस खींच के वापस पीछे आ जाता है, इसमें रिवर्स गियर है मशीन के अंदर ही। जैसे सर आपने भी बताया गीला माल जी, ये कितना परसेंट गीला माल निकाल देगी? ये 40-50% गीला माल निकाल देती है। 40-50% ये गीला माल निकाल देती है, कोई समस्या नहीं आती है। इसमें 213 तो ब्लेड लगा हुआ है अंदर जी, 45 इंच ड्रम साइज में। इसमें मतलब ये है कि आराम से 50% गीला आराम से निकलता है। अगली जानकारी हम सर इधर आते हैं, जैसे हमारे इसमें क्या सिस्टम लगा होता है जी मशीन के अंदर, इधर अगर किसी को भी भूसा बारीक करना हो तो जाल के नीचे पर्दा सिस्टम लगा हुआ है। ये दोनों आप ढीला करके इसको नीचे से अगर इसको पास कर देते हैं जी, ये ढक्कन दे रखे हैं, इनको अगर पास कर देते हैं अपन जी, तो ऐसे पर्दा इसका बंद होता है, तो जैसे अपन गेहूं का ये निकालते हैं तो भूसा बारीक कर देती है मशीन जी। एक ऊपर गियर लगा हुआ है, ये गियर अंदर कटर जाल का है, इसको ऊपर नीचे करने का भी गियर लगा हुआ है, जिसमें क्या है गीला माल निकालना हो तो जाली को ऊपर कर दो तो
ट्रैक्टर लोड फ्री होता है। अच्छा कहाँ से होगा सर ये? वहीं से ऊपर से होगा। अच्छा। बस वो बोल्ट के वहाँ से थोड़ा ढीला करके इसको ऊपर नीचे अच्छा, करके अच्छा। जाल अंदर ऊपर नीचे होता है जी बिल्कुल, ये फायदा है। दूसरा है इसमें यहाँ पे भी गियर लगा हुआ है जी। अगर ये मेन जैसे रोटर का स्पीड कम करना है तो यहाँ से आप गियर से कर सकते हो। किसान भाई को यहाँ पे कोई ऐसे ज्यादा इसमें परेशानी नहीं आती, बहुत सरल काम होता है। ठीक ठीक जी सर। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑयल की डब्बी देख रहा हूँ, ये किस लिए दी है? ऑयल की डब्बी इसलिए कि मशीन के नीचे से ऑयल डालने में क्या है, किसान भाइयों को डिप्रेशन में दिक्कत आता है ऑयल डालने में जी। तो यहाँ से किसान भाई वहाँ से इसको गेज से चेक करने के बाद यहाँ से ऑयल डाल दो। अच्छा अच्छा। ताकि ऑयल वहाँ अपना गियर बॉक्स में पहुँच जाता है, तो किसान भाई को कोई दिक्कत नहीं आती, ये फायदा है। एक सीढ़ी किस लिए दी सर? सीढ़ी अगर किसान भाई जाली वाली चेंज करता है ऊपर जी, जाली रखने का भी सिस्टम ऊपर ही बना रखा कंपनी ने, तो यहाँ से आसानी से चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए सीढ़ी सिस्टम है। बाइक की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा, सुरक्षा का पूरा ध्यान फुल हेवी मजबूत बना रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। इसमें आगे का भी सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हवा कम ज्यादा करने का हर जगह गियर लगा हुआ है जी। कोई किसान भाई को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ से हवा कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से हवा कम ज्यादा कर सकते हैं। आगे यहाँ पे डबल जाली दे रखी है जी। यहाँ पे डबल जाली इस कारण से दे रखी है कि यहाँ से माल क्लीन होके आता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा जी ठीक है सर। सर एलिवेटर की बात कर ले। एलिवेटर हमारा ये कटोरी में चेन वाला सिस्टम में जी, ताकि इसकी इतनी लंबी सर्विस है कि कोई किसान भाई को इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारी मशीनों में क्या होता है कि बेल्ट के अंदर कटोरी लगाते हैं, तो बेल्ट वो क्या है कि खराब हो जाता है एक दो साल में। इसमें चेन के अंदर कटोरी है। अच्छा तो चेन का तो बहुत लंबी सर्विस है, ज्यादा समय तक चलेगा, ज्यादा समय तक चलेगा। ठीक है सर। और फुल हेवी है अपना, फुल हेवी है ना सर जी सर। और सर इसको चलाने के लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा? इसमें दो मॉडल अवेलेबल है हमारे पास जी। इसमें क्या है कि अपने पास एक छोटा मॉडल अवेलेबल है, एक बड़ा मॉडल है। ठीक है सर। अगर किसान भाई के पास छोटा ट्रैक्टर है 39 HP, 40 HP, 42 HP, तो वो छोटा मॉडल ले सकता है। और जिसके पास बड़ा ट्रैक्टर हो 45-50 HP का, तो वो हमारी ये वाली थ्रेशर आराम से चला सकता अच्छा, है। अच्छा। सर जैसे कि ये तो हो गया पूरी, अपन ने वैसे लगभग जानकारी बता दी किसान भाइयों को। ठीक भाई की हमारे किसान भाइयों को पूरा अनुभव रहता है, क्योंकि वो तो पहले ही सर्वे करते हैं, पहले सर्वे कर लेते हैं जी। उनको सभी पता होता है। सर मजबूती के मामले सबसे बेस्ट बता रहे हो आप, टोटल वजन कितना मजबूती में? इसमें वेट 33 क्विंटल तो वेट ही है इसका। 33 क्विंटल तो वेट है इस मशीन का, मतलब हेवी, फुल हेवी है। किसी अन्य थ्रेशर सभी से इसका वेट सबसे मजबूत है, हेवी चद्दर ही यूज किया हुआ है इसमें। अब सर फसलें की बात आती है, जैसे कि किसको छोड़कर निकाल देती है? इसमें मूंगफली और धान को छोड़ के अन्य ये सभी फसल निकालती है, सभी निकाल देगी और सभी क्लीन माल निकाल के देगी। बाकी किसान भाई को अगर सेट नहीं होती है तो हम वैसे सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उनको। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं आता है। अब सर भूसे की बात करें, भूसा कैसे क्या बनाती है? भूसा इसमें किसान भाई के ऊपर है, अगर वो गीला निकालता है, उसको लगता है कि इसका भूसा हमको जानवरों को नहीं खिलाना है, तो बड़ा भी निकाल सकता है इसमें जी। और अगर उसको बारीक चाहिए तो इसमें बारीक का भी सिस्टम लगा हुआ है, भूसा बारीक भी करता है आराम से। सर जैसे कि बहुत सारे थ्रेशर में क्या होता है, दाने वगैरह उड़ने की समस्या आती है, जिसमें तो देखने को नहीं। इसमें सब जगह सर इतने पंखे, इतनी सेटिंग लगी हुई है कि किसान को बिना पाने चाबी के इसका सेटिंग करके और माल साफ निकाल सकता है, कचरे में एक दाना नहीं उठेगा इस मशीन के अंदर। अच्छा, अच्छा। जी मतलब ये पूरी कंपनी से इतना अच्छा रिजल्ट है इसका कि आप कौन सी भी फसल निकालो, एक तो क्लीन निकलेगी, न कचरे में उड़ेगी और न किसान को कोई परेशानी आएगी। तो जैसे ये और मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, ये कौन सा मॉडल है? ये भी वही मॉडल है जी। अपना ये थोड़ा इससे छोटा वाला मॉडल है जी, जो किसान भाई छोटे ट्रैक्टर पे चला सकता है। इसमें भी टायर अगर कोई किसान भाई बड़े मानता है, बड़े भी मिल जाते हैं, छोटे मिल जाते हैं, इसमें दोनों टायर साइज उपलब्ध है। ये वाले छोटे टायर है, जहाँ पे किसान क्या है कि जिनके हार्ड जमीन होती है उनके धसने का कोई समस्या नहीं, वो ये वाले टायर चला सकते हैं। ठीक है सर। किसान बड़े टायर डलवाना चाहे तो वो भी डल जाते, वो भी डल जाते हैं। किसान भाई अगर ऑर्डर करेगा बड़े चाहिए, बड़े हम ये दे देंगे उनको। कुछ दिन पहले हमने एक मूंगफली की वीडियो हमारे किसान भाइयों ने देखी थी जी, उसमें आपने फाइनेंस के बारे में बताया था। अभी हम जो दोनों मॉडल देख रहे हैं, इनमें फाइनेंस का क्या? इस मॉडल में किसान भाई को अपन 3 लाख तक फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। 3 लाख तक अगर किसान भाई चाहेगा कि अगर उसका सिविल रिपोर्ट बढ़िया है, फाइनेंस उसको करवाना है, 3 लाख तक हम फाइनेंस करवा के दे देंगे। अच्छा अच्छा जी। तो किसान भाई 3 लाख तक का फाइनेंस तो आपका इन थ्रेशर मशीनों पे हो जाएगा। सर प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग क्या रखने वाले हो? प्राइसिंग दोनों मॉडल का अलग है। इसमें सर जैसे अगर कोई किसान भाई बड़े टायर का लेता है जी, तो बड़े टायर का हमारा 5,10,000 का रेट है जी। और अगर कोई छोटे टायर में लेता है तो इसमें 4,90,000 का प्राइस रहता। अच्छा, है जी। 20,000 का डिफरेंस आ जाएगा। 20,000 का डिफरेंस आता है। छोटे मॉडल की बात कर ले, ये कितने एचपी का रेफर करते हो आप? ये जैसे मैं बता रहा था पहले आपको कि 39 HP, 40 HP, 42 HP उनके ट्रैक्टर के लिए ये सबसे बेटर रहता है। ये सबसे बेस्ट है। हाँ। ये अभी सर मल्टी क्रॉप है ना? ये सभी मल्टी क्रॉप है जी। ये मूंगफली को छोड़ के जी, और बाकी सभी अन्य फसल निकालता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है जी। इसकी प्राइसिंग की बात करें सर,
इसमें प्राइसिंग में उसमें नहीं, इसमें 10,000 का डिफरेंस है। अच्छा, 10,000 का, 10,000 का ही डिफरेंस है। ठीक है सर। अब सर ये तो हो गया, आपने प्राइसिंग भी बता दी, फाइनेंस का भी बता दिया जी। अब सर इसको किसान अगर लेता है तो मेंटेनेंस में क्या क्या इसकी जो देख रेख? इसके मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं है सर, किसान को बस कुछ नहीं करना है इसमें, समय पे सीजन चला के और इसमें ग्रीस करना पड़ता है, उसके अलावा इसमें कोई परेशानी नहीं जी, मशीन के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें ऑयल और ग्रीस के अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है। सोयाबीन का सीजन आने वाला है, सोयाबीन वगैरह का जी। तो होता है क्या है कि किसान भाई इसको ले जाएंगे, अब जो नया किसान जिसके पास पहले से मशीन नहीं है, अगर उसको ले जाता है तो मतलब कि जब वो ले जाएगा तो वहाँ पे आपके सर्विस के बंदे जाएंगे? सर्विस हम खुद देते हैं। अच्छा। मैं खुद भी जाता हूँ बहुत जगह जी जी, हमारे पास बंदे भी है 2-3, वो भी जाते हैं। कभी अगर वो बंदे कहीं दूसरी जगह है, दूसरे किसी को किसान को ऐसी जरूरत पड़ेगा, हमारे से सेट नहीं होता है, तो हम खुद भी, मैं खुद भी जाता हूँ, सेट करके आता हूँ। किसान को सर्विस तो इतना प्रोवाइड करवाते हैं, किसान को यूं अभी तक मैंने जहाँ पे भी थ्रेशर दिया है किसी ने बोला कि हमको सर्विस नहीं मिला जी, समय से पहले सर्विस दे देते हैं। मतलब किसान भाई ये सबसे मेन काम होता है कि सर्विस कैसी मिल रही भैया, सर्विस के ऊपर ही जो प्रोडक्ट है वो चलता है। सही, ठीक है सर। ये तो आपने पूरी मशीन की जानकारी दे दी, प्राइस वगैरह बता दी, अब किसान भाई को कहाँ आना पड़ेगा लेने? ये किसान भाई को मंदसौर, मध्य प्रदेश मंदसौर जिला आना पड़ेगा। यहाँ पे अपना शॉप है, श्री देव कृषि इंप्लीमेंट, कृषि उपज मंडी रोड पर है, स्टील नगर के यहाँ पे जी। कोई भी किसान भाई यहाँ पे आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं जी। मेरा मोबाइल नंबर है 888-9494-745। अच्छा जी, मुझे इस नंबर पे किसान भाई आप कॉल करके भाई साहब मशीन की जानकारी और बुकिंग के बारे में जानकारी आप सर से ले सकते हैं भाई की। सर क्वालिटी वगैरह सबसे बेस्ट है ना? क्वालिटी सबसे बेस्ट है सर। आप एक बार जो किसान भाई चलाएगा वो वैसे बता देगा कि वास्तव में इस मशीन का क्वालिटी अन्य मशीनों से बहुत बढ़िया है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो ना भाई साहब, लाइक सब्सक्राइब और फेसबुक को देख रहे तो फॉलो जरूर कर देना भाई की। सर से अगर आपको मिलना है तो सर कहाँ, मंदसौर में किस जगह आना पड़ेगा? मंदसौर में कृषि उपज मंडी रोड से स्टील नगर के यहाँ पे मेन रोड पे अपना शॉप है जी जी। अब सर जैसे कि ये तो हो गया अपना मंदसौर एरिया की बात, मंदसौर वाले आसपास के किसान आपको जानते हैं जी, आप कहाँ कहाँ तक देते हो मशीनें? आसपास इंदौर तक अगर कोई किसान भाई देता है, बरनगर, बदनावर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, कहीं से भी अगर किसान भाई कहेगा कि मुझे थ्रेशर चाहिए तो हम उसको अवेलेबल करवा देंगे। अच्छा अच्छा, मतलब ऑल एमपी में आप यहाँ से थ्रेशर एक जगह से बैठे बैठे दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत। और जो फाइनेंस की बात कर ले, फाइनेंस भी करवा देंगे अपने एमपी के अंदर। किसान भाई कोई भी बोले कि यहाँ से फाइनेंस करवाना, हम एमपी के अंदर कहीं पे भी उसको फाइनेंस सुविधा अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है किसान भाई, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस आज वीडियो में इतना ही सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। तो मिलते हैं किसान भाई जल्दी आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक बार हो जाए जय जवान जय किसान।